नमस्कार दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे हम कह सकते हैं कि ये गूगल को भी रिप्लेस कर सकता है। जी हाँ, चैट जीपीटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हम इस पर कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि इससे हम जो पूछेंगे, जैसे कि हम गूगल से कुछ भी पूछते हैं तो उसका आंसर मिल जाता है। पर ये इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि हम इससे अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये प्रॉपर आंसर देता है। जो हमने आंसर किए वही आंसर मिलता है। वही हम गूगल पर अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके आंसर तो हमें लास्ट में मिलते हैं, पर कई सारे फालतू आंसर भी होते हैं। पर इससे अगर हम कुछ पूछते हैं तो इससे हमें परफेक्ट आंसर मिल जाता है। इस वजह से हमें लगता है कि गूगल को ये रिप्लेस कर सकता है। पर चैट जीपीटी ने एक ट्वीट करते हुए ये कहा है कि गूगल एक सर्च इंजन है पर हम एक रिसर्च इंजन है, जिससे कि लोग इस पर रिसर्च करके कुछ पढ़ सकते हैं। इसमें इतने सारे लैंग्वेज हैं कि लोग इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, चैट जीपीटी का लोग यूज करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं चैट जीपीटी के यूज से कई सारी कंपनियों से लोगों को फायर भी किया जा रहा है, बड़े बड़े नंबर्स में लोगों को फायर किया जा रहा है। आखिर क्या है चैट जीपीटी, इससे लोग इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं और चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, जाने के लिए वीडियो में उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में, जो एक बहुत बड़ा लैंग्वेज मॉडल है और इसे ओपन एआई के द्वारा ट्रेंड किया गया है। अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी के बारे में सुना नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी पर काम करता है। ये मॉडल टेक्स्ट को पढ़कर उसके कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को समझाने में सक्षम है। इसके द्वारा आपका समय भी बचता है। दोस्तों, चैट जीपीटी के पास कुछ ऐसे फीचर हैं जो दूसरे लैंग्वेज मॉडल से इसे बहुत अलग बनाते हैं। इसके पास बहुत सारे प्री ट्रेंड पैरामीटर हैं जो इसको बहुत समझाने और दूसरे मॉडल से बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। इसके साथ ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है और इसमें समय से पहले ही कई सारी चीजों को शामिल किया जा चुका है। चैट जीपीटी का यूज केसेस बहुत सारे हैं। इसका यूज हम चैटबॉट बनाने में कर सकते हैं, साथ ही जिसमें आपकी कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सकती है। इसका यूज कंटेंट जनरेट करने में भी किया जा सकता है, जिससे कि आर्टिकल और समरीज लिखने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। दोस्तों, चैट जीपीटी का यूज करके काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बिना फेस के वीडियोस बना रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। इससे कोई भी कंटेंट उठा, लाइक अब मान लीजिए मुझे ही इंडिया घूमना है और मैं इस पर जाके एक स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा चैट जीपीटी से। समझ लीजिए कि आपका ये एक दोस्त है, आप इससे कहते हैं कि ये काम मुझे करके दो तो आपको देगा। तो आप इस पर सिंपली जाएंगे, आपको बस इतना टाइप करना, राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर विजिट इंडिया, बस इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरा ये समरी दे देगा कि आपको क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो ऐसे ही लोग इसका प्रयोग करके YouTube वीडियो बना रहे हैं, साथ ही ब्लॉग का भी काम कर रहे हैं। इससे कई सारे ब्लॉग भी बनाए जा रहे हैं और घर बैठे आसानी से ये पैसे छापे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको और चैट जीपीटी के बारे में जानना है, इसमें और क्या क्या फीचर हैं, तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं। बाकी आप इसके ऑफिशियल चैनल ओपन एआई पे भी जाके इसके बारे में फीचर इसके देख सकते हैं। चैट जीपीटी एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पर काम करता है। ये मॉडल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं जो इसको दूसरे लैंग्वेज मॉडल से बहुत बेहतर बनाते हैं। इसका यूज आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन, सेंटीमेंट एनालिसिस, समराइजेशन और टेक्स्ट जनरेट करने में। चैट जीपीटी के पास बहुत सारे प्री ट्रेंड मॉडल्स भी हैं, जैसे कि चैट जीपीटी 2 और चैट जीपीटी 3, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इस मॉडल को आप अपने यूज केसेस के हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। ओवरऑल चैट जीपीटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कामों में काफी मदद करता है। इसका यूज करके आप अपने केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।